हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या है ये सेक्शन? ये बताता है आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यूं कहें कि चार डायरेक्टर्स, चार तरह के डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। कौन है वो डायरेक्टर्स? तो सबसे पहले सेक्शन 161, 161 सब सेक्शन 1 ये बात करता है एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 बात करता है नॉमिनी डायरेक्टर। एंड सबसेक्शन 4 बात करता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। एक्चुअली ये डायरेक्टर नहीं होता है कोई, लेकिन हाँ कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है उसे हम नाम दे देते हैं कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर की। बेसिकली आपको सेक्शन 149 से डायरेक्टर के बारे में जानने को मिलेगा। सेक्शन 149 ही स्टार्ट होता है डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है, कितने डायरेक्टर होते हैं, कौन अपॉइंट होगा, डिन नंबर, उसके बाद और बाकी डायरेक्टर्स के बारे में, डिन नंबर को लेने के लिए कैसे अप्रोच किया जाता है, डिन मिलने के बाद रजिस्ट्रार के पास कैसे जाते हैं, ये सारे प्रोविजन्स कवर होते हैं सेक्शन 149 से लेकर के 160 तक। सेक्शन 161 कहता है, सबसे पहला सबसेक्शन 1 कहता है एडिशनल डायरेक्टर। तो हम आपसे बारी बारी से सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर की। कौन होता है एडिशनल डायरेक्टर, क्या मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टर का? तो एडिशनल डायरेक्टर, जैसा कि वर्ड एडिशनल, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लगाया गया? क्योंकि जो नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो होते हैं सेक्शन 152 में, और सेक्शन 152 प्रोवाइड करता है कि आपको जो नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो होंगे जनरल मीटिंग में। सर, जनरल मीटिंग को क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। आपने जब एजीएम के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि एजीएम में चार तरह के काम होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के काम होते हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स के सामने रखना, दूसरा काम होता है डिविडेंड का डिक्लेरेशन, तीसरा काम होता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और चौथा काम क्या है जो हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की। तो एजीएम में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जनरली होती है, ये प्रोविजन लिखा है सेक्शन 152 में, और ये चार काम एजीएम में होते हैं। तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो 152 के हिसाब से ये बता दिया गया कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा एजीएम में, जनरल मीटिंग में। चलिए, लेकिन आपने जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। अब जो अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर्स के एक्स्ट्रा, अब सपोज ये डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, लेकिन किसी एक दो एक्सपर्ट की जरूरत है किसी पर्टिकुलर एरिया की, लेकिन आप अब उस व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते, अपने डायरेक्टर्स की नंबर को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काम कहाँ होगा? अब तो एजीएम में ही होगा, और एजीएम, अब टाइम लगेगा एजीएम बुलाने में। तो सेक्शन 161 के सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजन दे दिया गया कि बीच में अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है किसी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, एडिशनल मतलब अ डायरेक्टर अदर देन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, क्लियर है? तो आप इन द सेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और
इनको इजाजत कौन देता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि हम बता रहे हैं कि कैसे अपॉइंट होंगे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कर सकते हैं, एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके सर, तो ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग से पहले। ठीक, तो बोर्ड की पावर हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि सर कौन अपॉइंट होगा? तो कोई भी व्यक्ति ये एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, चाहे वो मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, अपॉइंटमेंट उसकी हो सकती है एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। लेकिन हाँ, सेक्शन 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं डायरेक्टर की, वो नहीं अटैच होनी चाहिए उसके साथ। पर डिस्क्वालिफाइड है तो डायरेक्टर कैसे होगा, चाहे एडिशनल हो या नॉर्मल हो, कोई भी हो, वो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम्स। वो डायरेक्टर होने के लिए काबिल होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। उसके साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है जो, अब ये पॉइंट सुन लीजिएगा, जिसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट करने से मना कर दिया गया था। जनरल मीटिंग में जिस व्यक्ति को अपॉइंट करने से मना कर दिया गया था, इसको कहा गया था भैया तुम जनरल मीटिंग में, इसको मना कर दिया गया तुम अपॉइंट नहीं हो सकते डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब ऐसा नहीं कर सकते। भाई शेयर होल्डर्स को ने जो अपना मत दे दिया है उसके अगेंस्ट जाकर के उस व्यक्ति को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, तो शेयर होल्डर भड़क जाएंगे। हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में कुछ मिलीभगत कर रहे हो और उसको उसके लिए प्रपोज करवाया किसी व्यक्ति से कि जनरल मीटिंग में इसको डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाए, हम लोग आपस में मिलकर के गुल खिलाएं, और शेयर होल्डर्स ने देखा कि नहीं ये आदमी सही नहीं है कंपनी के लिए, इसको हटाओ, डायरेक्टर अपॉइंट मत करो, हटा दिया। लेकिन तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये पावर मिल जाए तो वो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिए इसको, इनका तो इंटेंशन पूरा हो गया। तो फिर एक्ट में ये बात लिख दी गई कि ना आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो डिस्क्वालिफाइड है। क्लियर पॉइंट है। अब ये लोग अपॉइंट हो गए, ये काम हो गया। अब ये जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, क्या ये परमानेंट डायरेक्टर है? जी नहीं, ये कुछ टाइम के लिए अपॉइंट हुआ है और इसका टाइम है टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन इसके साथ इसके टाइम पीरियड को एक और प्रॉब्लम ने जोड़ दिया। कब तक रहेगा? या तो एनुअल जनरल मीटिंग तक, और एनुअल जनरल मीटिंग जैसे हुई खत्म, आपको फिर से दोबारा करना है तो एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोबारा इसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें अलग बात है वो। लेकिन जैसे ही एजीएम बुलाई गई, एजीएम हुई, तुरंत इसकी पावर खत्म, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म। और दूसरा टाइम ये लिखा गया, अगर एजीएम नहीं होती है तो, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि फर्स्ट एजीएम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ्स के अंदर बुला लेनी होती है, और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर। लेकिन कुछ परिस्थिति में ये टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने से 9 महीने किया जा सकता है, या 3 महीने मीटिंग एक्सटेंड की जा सकती है, ऐसा आप जानते होंगे, या फिर किसी और वजह से मीटिंग नहीं हो पाती, तो क्या एडिशनल डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा? अगर हमने ये कहा कि एजीएम, नेक्स्ट एजीएम तक उसका टाइम है, लेकिन अगर एजीएम नहीं हो पाती किसी वजह से, तो क्या ये कंटिन्यू करेगा? अगर प्रोविजन देखा जाए तो बिल्कुल करेगा, लेकिन यहां लिख दिया गया और द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, मतलब जिस डेट को एजीएम हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसी डेट को मान लेंगे, द एडिशनल डायरेक्टर बिकम्स रिटायर्ड, उस डायरेक्टर उस दिन उसकी पावर खत्म। बात समझ में आ गई? ये प्रोविजन है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन
एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है या फिर कंपनी को लगता है कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, उस पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते जो एजीएम में अपॉइंट नहीं हुआ है शेयर होल्डर के द्वारा। और एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करेगा, या तो अगली एजीएम तक, और एजीएम अगर नहीं होती है तो जिस डेट तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। आपको फिर से ये पढ़ना होगा, सेक्शन 96 पढ़ना होगा कि कब तक एजीएम हो जानी चाहिए, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और ये सब। तो सेक्शन 96 आपको देखना पड़ेगा कि वो कब तक एजीएम हो जानी चाहिए, और उस डेट जो दोनों में पहले हो जाए, द डेट ऑफ एजीएम और द डेट ऑफ एजीएम ऑन विच द मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में जो पहले आ जाए उस डेट को इसकी टेन्योर खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे अब इसके बाद सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 अल्टरनेट डायरेक्टर।